कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बस्तर पहुंचे। बस्तर ब्लॉक के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लाखों लोग कोरोना के कारण मरे, हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे, केंद्र की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसी की भी मदद नहीं की, पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को ही दे दिया गया। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। पीएम मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते हैं। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे मरे हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। हिंदुस्तान के सब बेरोजगार युवाओं को सरकार ये अधिकार देगी, 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, सरकारी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हीं संस्थाओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। तो एक प्रकार से युवाओं के लिए यह जॉब मार्केट के अंदर जाने का एक तरीका है। जॉब मार्केट के दरवाजे हम आपके लिए खोल रहे हैं।